एंड्रॉयड है iOS। ये गेम दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, आप लोगों को डाउनलोड लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके पास में अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड की और iOS डिवाइसेस की भी। गेम अच्छा है, टोटली जापानीज गेम है, एंड्रॉयड MMORPG एक्शन वाला गेम है। आप लोग जानते होंगे इस तरह के गेम्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काइंड के विलन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, काफी अच्छे कैरेक्टर्स हैं। आप लोगों को जस्ट करना क्या है, उनसे बचते हुए फाइट करना है। आप लोग एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक एनवायरनमेंट है इस गेम का, जैसे कि आप लोग जानते हैं उस टाइप के गेम किस तरीके के होते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस टाइप के गेम्स में तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था स्पॉन्सर्ड कंटेंट का पार्ट। अगर आप लोगों को गेम अच्छा लगे तो डाउनलोड कीजिए, नहीं देन मूव करते हैं हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स के काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और इस काउंटडाउन रैंकिंग के अंदर जो नंबर 1 गेम निकल के आता है वो है मेजर मेहम 2। दोस्तों, मेजर मेहम 2 अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है। गन शूटिंग और एक्शन कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करता है। टोटल जो एक्शन एनवायरमेंट होता है ना किसी भी गेम के अंदर, वो टोटल आप लोग को यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा। कभी आप लोग कार के ऊपर हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देखने के लिए मिलेंगी। आप लोग करना क्या है, जस्ट फाइट करना है अपने अपोनेंट से। अपोनेंट्स भी चेंज होते रहेंगे, कभी आप लोग चॉपर को और आ रहे हैं, कभी आपके सामने रोबोट्स आ जाएंगे, कभी किस तरह के विलन्स हैं। मतलब टोटल एक एक्शन वाला गेम है जो कंप्लीट पैकेज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को गन शूटिंग करनी है, अगर आप लोग इस तरह के गेम पसंद है देन डेफिनेटली ये गेम आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर से हम लोग मूव करते हैं सीरीज के सेकंड गेम की तरफ, और जो सेकंड गेम निकल के आता है सीरीज का वो है इनटू द डेड। दोस्तों, इनटू द डेड भी अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, और इस सीरीज का ही ये गेम है इनटू द डेड 1। आप हालांकि 2 भी आ चुका है, लेकिन हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं 100 MB से भी कम के साइज के अंदर जो आप लोग गेम देखने के लिए मिलेंगे, तो उनके अंदर आता है इनटू द डेड। इसमें करना क्या होता है, आप लोगों को बचते बचते आप लोगों को यहाँ पर ज़ॉम्बीज देखने के लिए मिल जाएंगे अपने चारों तरफ, और उनसे बचते हुए आप लोगों को जाना है। यानी कि एक टोटली सर्वाइवल गेम है, आप लोगों को ज़ॉम्बीज से बचना है। देन बाद में आप लोगों को गन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेपन्स देखने के लिए मिलेंगी। आप लोग उनसे बचना है, और जितना ज़्यादा स्कोर आप लोग अचीव कर पाते हैं, जितना ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, उनका आप लोगों का हाई स्कोर बनेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा गेम है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से सीरीज के थर्ड गेम की तरफ, और इस सीरीज का जो थर्ड गेम निकल के आता है वो है मैड ज़ॉम्बी ऑफलाइन शूटिंग। ये भी दोस्तों एक ज़ॉम्बी शूटिंग गेम है। यहाँ पर से आप लोगों को ज़ॉम्बीज देखने के लिए मिल जाएंगे ऑल अराउंड, और आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मार देना है। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देखने के लिए मिलेंगी, जिन पर आप लोग जाएंगे लेवल टू लेवल, और वहाँ पर से जो ज़ॉम्बीज का लेवल भी चेंज होता रहेगा, छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, और आप लोगों ने मारना होगा। जो वेपन्स हैं वो उन्हें आप लोग अपग्रेड कर पाएंगे। ये भी एक उसी टाइप का गेम है जैसा कि ऑफलाइन गेम्स होते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर से फाइटिंग का मजा भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर से हमारी सीरीज के फोर्थ गेम की तरफ, और जो फोर्थ गेम है दोस्तों वो अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज का गेम है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नोवा सीरीज की, नोवा लेगेसी। नोवा लेगेसी अपने आप में ही काफ़ी अच्छा गेम है, बहुत ही ज़्यादा कम साइज़ के अंदर। दोस्तों, इस गेम का जो साइज़ है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिल जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 39 MB के अंदर। लेकिन इस गेम की जो ग्राफिक्स हैं दोस्तों, वो साइज़ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को टोटल फाइटिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पर से जो आप लोगों को एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा वो थोड़ा सा साइंटिफिक है, साइंटिफिक वेपन्स देखने के लिए मिलेंगी। आप लोग करना क्या है, आप लोगों के सामने जो अपोनेंट्स आएंगे उनसे मारना है, थोड़ा सा स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, काफ़ी अच्छा गेम है। अगर आप लोग ऑफलाइन गेम की तलाश कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड साइज के लिए, लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स के लिए, देन ये गेम आप लोगों के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के मिडिल में, और जो मिडिल का फिफ्थ गेम निकल के आता है वो है टाइनी ट्रूपर्स 2। दोस्तों, टाइनी ट्रूपर्स 2 स्पेशल ऑप्स भी एक काफी अच्छा गेम है। ये डिफरेंट कैटेगरी का, डिफरेंट ओवरले वाला गेम है। यहाँ पर जो जॉनरा है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। आप लोग करना क्या है, आप लोग छोटे छोटे ट्रूपर्स हैं, सिपाही हैं, और आप लोग की पूरी एक आर्मी बन जाएगी बाद में, ज्वाइन हो जाएंगे आपके सामने और काफी सारे ट्रूप्स, और आप लोग को अपने बेस को बचाना है, आगे जाकर दूसरे वाले बेस के ऊपर अटैक भी करना है। यहाँ पर से आप लोग को काफी सारी वेपन्स देखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ में जो व्हीकल्स हैं वो भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब कम साइज के अंदर जो मैंने गेम सेलेक्ट किए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप लोगों को जरूर से जरूर उन गेम्स को प्ले करने में मजा आएगा। यहाँ पर से आप लोगों को हेलीकॉप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, कार्स देखने के लिए मिलेंगी, जिनसे आप लोग बचना है, कई बार उन्हें राइड करना है, कई बार उन्हें मारना है। तो एक अच्छा एक्शन वाला गेम है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर जरूर इसे ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए खैर दोस्तों, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारे सिक्स्थ गेम की तरफ, और इस टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स की सीरीज में जो सिक्स्थ गेम निकल के आता है वो है स्काई डांसर रन।
अब यहाँ पर से हम लोग आ चुके हैं उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पर से आप लोगों को एक एडिक्टिव गेम चाहिए होता है बहुत ही कम साइज में ऑफलाइन वाला, जैसे कि पहले हुआ करते थे टेम्पल रन वगैरह वगैरह, लेकिन सभी आप लोग जानते हैं उन गेम्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर से लेकर के आया हूँ स्काई डांसर रन। ये भी सेम टू सेम उसी जॉनर वाला गेम है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक हो गया है। मज़ा आता है इस तरह गेम्स को प्ले करने में, थोड़ा सा ज़्यादा ही और मज़ेदार हो गया है। आप लोगों को कूदना है और कूदते कूदते जो लोकेशन है वो चेंज होती रहेंगी, जो एनवायरनमेंट है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा डरावना होता रहेगा। तो ये गेम भी आप लोग अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको इसी के जैसा एक सिमिलर गेम चाहिए तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं वेक्टर 2। वेक्टर 2 भी दोस्तों बिल्कुल इसी के जैसा गेम है, बस यहाँ पर से थोड़ा सा जो देखने का एंगल्स है, व्यूइंग एंगल्स है, एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर से आप लोगों को ब्लैकिश एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को बचना होगा लेजर से, साइंटिफिक एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा लुक चेंज है, लेकिन गेम का जो जॉनरा है वो बिल्कुल सिमिलर है रूनी के जैसे गेम्स की तरह। तो ये दोस्तों आपस में सिमिलर गेम है, इसलिए मैंने इनको एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया है। आप लोगों को जो भी पसंद आए आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के सेवंथ गेम की तरफ, और जो सेवंथ गेम निकल के आता है वो है बॉम्ब स्क्वाड। दोस्तों ऑफलाइन कैटेगरी के अंदर भी एक ऐसा गेम है बहुत ही लिमिटेड साइज के अंदर, जिसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ में प्ले कर सकते हैं। आप लोग करना क्या है, बस आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ में ही होने चाहिए, और सभी के फ़ोन में एक गेम डालिए और आप लोग उनके साथ में प्ले कीजिए बॉम्ब स्क्वाड गेम को। बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम है। इसमें करना क्या है, आप लोग जाएंगे, आप लोग बसते बसते लेवल्स को क्रॉस करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आप लोग को ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जो गेम जिस टाइप से आप लोग खेलना चाहें वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोग को इतने सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, जो लेवल आपको पसंद आए आप लोग उसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग मूव करते हैं सीरीज के 8th गेम की तरफ, और ये जो सीरीज चलती आ रही है आई होप अभी तक आप लोगों को काफी सारे गेम्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर में ज्यादातर जो किड्स होते हैं या फिर यंगर एज वाले बच्चे होते हैं उनको रेसिंग गेम्स चाहिए होते हैं, तो ये कैटेगरी मैंने उन्हीं के लिए डाली है। और जो रेसिंग गेम्स के अंदर भी जो ट्रैफिक वाली सीरीज है वो बहुत ही अपने आप में फेमस है, तो ये कैटेगरी आती है हमारी ट्रैफिक रेसर वाली। ट्रैफिक रेसर में होता है कि आप लोगों को कार चलानी है, कार से आप लोगों जो ट्रैफिक है उससे बचते बचते आप लोग ऑब्स्टेकल्स आएंगी, उनसे बचते बचते आप लोगों को लेवल कंप्लीट करना है, और जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे स्कोर्स बनते जाएंगे, लोकेशन चेंज होती रहेंगी, डे एंड नाइट भी आएगा, तो मतलब एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। और अगर आप लोगों को कार की जगह में बाइक में इंटरेस्ट है तो आप लोग ट्रैफिक राइडर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलर ही एनवायरनमेंट होगा, बस बाइक आ जाएगी, वही है ट्रैफिक से बचना है, डे एंड नाइट है, यहाँ पर भी आप लोगों जो लोकेशंस है वो चेंज होती रहेंगी। सो दोस्तों ये तो थे हमारे अभी तक के गेम्स, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के 9th गेम की तरफ, और जो 9th गेम निकल के आता है वो है हिल क्लाइंब 2। हिल क्लाइंब भी दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज है, अपने आप में ही काफी अच्छा गेम है, एडिक्टिव गेम है, आप लोगों को बोर नहीं होने देगा। अगर आप लोगों ने ये गेम पहले से ही खेल रखा है तो आप लोग बीच बगी रेसिंग ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही सेम जॉनरा से गेम लगते हैं, तो मैंने इनको एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया है, क्योंकि मुझे डालने थे मोस्ट पॉपुलर गेम्स जो कि ऑफलाइन कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 100 MB से कम साइज के अंदर। तो ये वही गेम्स है दोस्तों जो आप लोगों को प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब हिल क्लाइंब में करना क्या है दोस्तों, आप लोग अपनी कार चलानी है, फ्यूल्स को कलेक्ट करना है, और जितना आगे आप लोग जाएंगे लेवल्स कंप्लीट होंगे, 3 स्टार्स है, 2 स्टार्स है, और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ना है। बीच बगी में आप लोगों को अपनी रेस ट्रैक को कंप्लीट करना है, रेसिंग होगी डिफरेंट डिफरेंट कार्स को सिलेक्ट करके, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का भी ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कार्स को कस्टमाइज कर पाएंगे, और यहाँ पर से काफ़ी सारे लेवल्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये उसी टाइप के गेम है दोनों ही, और आप लोग आई होप अगर पहले से जानते हैं तो आप लोगों ने इनको प्ले भी किया होगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इस सीरीज को एंड करते हैं, और इस सीरीज में जो लास्ट गेम निकल के आता है हमारे टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स वाली सीरीज में अंडर 100 MB, वो है दोस्तों एल्टोस ओडेसी। एल्टोस ओडेसी भी दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी अच्छा गेम है, इस गेम में थोड़ा सा ज़्यादा ही एडिक्टिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगर आप लोग इस गेम को प्ले करना शुरू करते हैं। देन इस गेम में करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर से स्कीइंग करनी है, स्लाइड करना है, आप लोगों की जो लोकेशंस है वो चेंज होती रहेंगी वन टू अनदर, बीच बीच में काफ़ी सारी लोकेशंस आ जाएंगी, ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, ऑब्स्टेकल जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा। गेम अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस आती रहेंगी, एडिक्टिव यूजर्स को और बच्चों को यह गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स अंडर 100 MB, और 100 MB में आप लोग ज़्यादा हाई ग्राफिक तो अज्यूम नहीं कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं 100 MB में किस तरह के गेम्स देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं को मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग को 100% रियल ऑसम गेमिंग कंटेंट्स देखने के लिए मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलूंगा इसी तरह की नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट।